क्लास 8th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 6.5.4 फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। फ्रेंड्स आई एम अनुराधा अग्रवाल, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शादे। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन लिखते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एस मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया हमारा कितना है 441 मीटर स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया एस स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू साइड की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, 441 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। आप देखिए 441 का अंडर रूट निकालते हैं हम इधर, देखिए यहाँ पर 4 है तो 2 से करूँगी मैं, 2 और 2 कितना हो गया 4। आपको ये बनाना है क्या हो गया यहाँ पर 41, 224 यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर ब्लैंक 11141। तो ये किसका अंडर रूट आया फ्रेंड्स, 21 का। तो हमारा क्या होगा जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी 21 cm। आंसर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.4 इन अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पर बी 90 डिग्री है, इफ़ ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर और ए बी बराबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर बी जो कि 90 डिग्री है, ए बी सी आपका पता है या तो हम एंटी क्लॉक चले या क्लॉक वाइज चले नेमिंग करने के लिए। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं किससे करेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें करना होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 cm है और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस है फ्रेंड्स और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूस जो हमारा ए सी है इसका स्क्वायर निकालना है, बी बेस की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो ए सी का स्क्वायर बराबर 6 6 36 प्लस 8 8 64, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 100। तो ए सी बराबर क्या होगा अंडर रूट 100। आपको पता है ए सी बराबर कितना होगा 10, कितना होगा फ्रेंड्स क्योंकि इसका अंडर रूट कितना होता है 10। तो सी एम ए सी बराबर 10 सी, दिस इज़ आवर आंसर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए हम बी पार्ट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ए सी दिया हुआ 13 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, बी सी 5 सी एम और ए बी आपको पता करना है। तो यहाँ पर वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, बी पर 90 डिग्री है यहाँ पर तो ए और यहाँ पर सी। ए सी की वैल्यू 13 सी एम दी हुई है, बी सी की वैल्यू हमें 5 बी सी ये वाला परपेंडिकुलर 5 सी एम और ए बी यानी कि बेस पता करना है आपको। तो यहाँ पर हम फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे फ्रेंड्स, और पाई था गो रस थियोरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर बराबर ए बी हमें पता नहीं है स्क्वायर बर प्लस बी सी हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है फ्रेंड्स और ए बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है अभी, प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें निकालनी, तो ए बी को जिस तरह से एक्स को बाहर निकालते हैं वहाँ वैसे इसको निकालना है। ए बी का स्क्वायर बराबर इधर से लेंगे हम 169 और इधर से ये आके -25 में कन्वर्ट, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 में से 5 को या 4, 6 में से 2 गया 4 और 1, तो ए बी का स्क्वायर बराबर यानी कि ए बी का बराबर क्या होगा अंडर रूट 144। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट का साइन लगा देते हैं और अंडर रूट 144 का आपको पता है 12 सी एम, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो गया 12 सी एम। फ्रेंड्स दिस इज़ आवर आंसर।
फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, 5.4 क्लास 8 मैथ्स पर। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम। जब भी रिमेन द सेम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज आ जाए तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अंडर रूट निकालना होता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड, इसका मतलब ये है मोर, ही नीडेड मोर का मतलब आपको ये है कि 1000 जो है प्लांट, 1000 जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब 1000 में कुछ ना कुछ नंबर ऐसा हो जो हमें ऐड कर दे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ताकि हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो जाए। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है फ्रेंड्स, 3, 4, 5, 6 अगर हमारे कॉलम है तो 6 ही आपकी रो होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको पौधे लगाने हैं फ्रेंड्स, देखिए ताकि सब कुछ इक्वल हो जाए, एक स्क्वायर बन जाए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको करना होता है। तो आप यहाँ देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अंडर रूट निकाल लेते हैं 1000 का, 2 और 2 का पेयर बनाना होता है, यहाँ 10 है तो 3, 3 सा 9, यहाँ 1 और 00 3, 3 कितना 6, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 12 मिलता है, यहाँ पर हमारे पास 10 है तो मैं 1 से करना चाहूँगी 61, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगी 0 में से 1 9 9 में से 6 आपका 3, तो यहाँ देखिए ये 1, तो 31 का जो स्क्वायर है फ्रेंड्स आपको जो पता है वो 1000 से ज़्यादा है, क्या है 1000 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिखूँगी 31 का स्क्वायर कम है 1000 ज़्यादा है, तो 31 से आगे वाला नंबर क्या होगा 32, अगर मैं 32 का स्क्वायर करूँ तो वो ज़्यादा होगा 1000 से, तो मुझे यहाँ पर यही करना है। तो मुझे यहाँ 32 का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस कर दूँ मैं 1000 को, तो मुझे नंबर ऑफ़ प्लांट और नंबर ऑफ़ रोज इक्वल आ जाएंगी। तो 32 का स्क्वायर आपको पता है 104 होता है, माइनस 1000 आप निकाल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24। तो इस प्रकार से जो रिक्वायर्ड प्लांट हैं मोर प्लांट है, आया ना नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर, तो 24 प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर टू मेक इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इस तरह से 34 प्लांट्स हमारा आंसर हुआ फ्रेंड्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 0.4 का लास्ट क्वेश्चन 9 पर पहुंच चुके हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, फॉर पीटी ड्रिल्स दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले 500 जो डिजिट है, इक्वल अरेंजमेंट अगर आपको बनाना है इक्वल, तो आपको इसका अंडर रूट निकालना होगा जो कि आपको पता है कि कंप्लीट नहीं है 500 का स्क्वायर, तो आपको कितने लेफ्ट आउट, कितने बच्चों को बाहर निकालना होगा। तो आपको पहले जिस तरह से हमने किया तो वैसे ही हमको करना है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले वी नो दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट 500 का अंडर रूट निकालना ज़रूरी है हमें। तो यहाँ से देखिए 2, 2 जब 4 क्या बचा आपका 100 कितना हो गया आपका 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा। 4 को 2 से करती हूँ तो 8 मिलता है जो कि 10 से छोटा है, अगर 4 को 3 से करती हूँ तो 12 जो कि बड़ा हो जाता है, तो मैं यहाँ 2 से करती हूँ फ्रेंड्स 2 से, तो मेरा को कितना होता है 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 में से यहाँ मेरा कितना बचा 6 और यहाँ पर मेरा 1, तो 16 स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लेफ्ट आउट। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स 22 का अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो वो किसके बराबर होता है 484 के, कितना होता है 484 के, कैसे होगा फ्रेंड्स आप देखिए इसका जो स्क्वायर है 22 का, तो अगर मैं यहाँ से 500 में से अगर माइनस करती हूँ 484 को तो मेरे को कितना मिलता है 16, कितना मिलता है फ्रेंड्स 16, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स
मुझे 16 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स? 16 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, क्यों है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है? चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट, 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। आंसर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि 484 जो है 500 से 16 कम है, और हमारा जो 16 बच्चे निकाल दें हम तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारी इक्वल आ जाएंगी। फ्रेंड्स आपको इसी तरह से सवाल करते जाना है। और फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो कि मेरे बोलने में से हो गई थी। 32 का स्क्वायर जो हमने किया था 1024 था, 1024 में से 1000 माइनस करते तो 24 स्टूडेंट आता है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक फ्रेंड्स बोलते वक्त हो जाए, यहाँ पर जैसे 24 प्लांट्स हैं है ना, तो अगर बोलते वक्त हो जाए फ्रेंड्स तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। एक छोटी सी गलती के लिए पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप थोड़ा बहुत माइंड ना करें फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।